अब बात आती है रेगिस्तान में ऐसी क्या वाइल्ड लाइफ है जिसको शूट करने के लिए मैं दिल्ली से 850 किलोमीटर दूर ड्राइव करके जा रहा हूँ। थार डेजर्ट हमारे प्यारे भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो पाकिस्तान तक फैला है, और जिस बर्ड के खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ वो राजस्थान का स्टेट बर्ड है, लेकिन इसको देख पाना बहुत ही कठिन है। मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरी हॉबी। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अब अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स वॉक इन टू द वाइल्ड। तो आज वो टाइम फाइनली आ ही गया जब मेरा एक साल पुराना प्लान एग्जीक्यूट होने जा रहा है। लोकेशन देख के शायद आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। ये है राजस्थान और मैं अभी जैसलमेर की तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअली जैसलमेर से भी आगे ही जाना है, एक ऐसी सफारी के लिए जो मैं फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ। अभी जनवरी की ठंड है और बेस्ट टाइम है राजस्थान घूमने का। अब ये चैनल वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो ये क्लियर है कि ये ट्रिप वाइल्ड लाइफ से ही रिलेटेड होगी। अब बात आती है रेगिस्तान में ऐसी क्या वाइल्ड लाइफ है जिसको शूट करने के लिए मैं दिल्ली से 850 किलोमीटर दूर ड्राइव करके जा रहा हूँ। पहले जैसलमेर को क्रॉस करते हैं और एक्चुअल लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं जा रहा हूँ सम सैंड ड्यून्स में, जो जैसलमेर से 45 मिनट की दूरी पे है और थार डेजर्ट के बीच में है। थार डेजर्ट हमारे प्यारे भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो पाकिस्तान तक फैला है, और जिस बर्ड के खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ वो राजस्थान का स्टेट बर्ड है, लेकिन इसको देख पाना बहुत ही कठिन है। वैसे आपको यहाँ ढेर सारे विंड मिल्स मिलेंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स, और इन सबका कनेक्शन उस बर्ड से भी है जिसको देखने में यहाँ आया हूँ। तो सम के टूरिस्ट स्पॉट्स को क्रॉस करके हम एक ऐसे स्पेशल प्लेस पे स्टे करने जा रहे हैं जहां से हमें उस बर्ड को ढूंढने में आसानी होगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हिंदी में गोडावन कहते हैं, दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है और ये विलुप्त होने के कगार पे है, और वाइल्ड में 150 से भी कम बचे हैं। अभी हम जहां रहने जा रहे हैं उस रिजॉर्ट का नाम गोडावनगढ़ है और एक नेचुरलिस्ट के द्वारा खोला गया है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस जहाँ भी जाता हूँ वहाँ वाइल्ड लाइफ से जुड़े लोकल लोगों और उनके बिजनेस को प्रमोट करता हूँ। ये जगह रेगिस्तान के बीचों बीच है और आसपास आपको कोई और घर नहीं दिखेगा। यहाँ अलग लेवल की शांति है और रहने का अलग मज़ा। लेकिन इतनी दूर रेगिस्तान में भी आपको यहाँ
घर जैसा कंफर्ट और खाना मिलेगा। अभी तो शाम हो चुकी है, लेकिन कल सुबह हमारी सफारी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। सो इट्स ब्यूटिफुल कोल्ड मॉर्निंग। अभी हम लोग निकल चुके हैं सफारी के लिए और अब देखना है कि आज हमारे भाग्य में गोडावन है या नहीं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखने के लिए आपको सम में डेजर्ट नेशनल पार्क आना पड़ेगा। यहाँ वैसे ही सफारी होती है जैसे कि हमारे भारत के किसी भी जंगल में, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ आप जीप से नीचे भी उतर सकते हैं क्योंकि यहाँ किसी वाइल्ड एनिमल का खतरा नहीं है। डेजर्ट नेशनल पार्क भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और 3162 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसके 20% हिस्से में बस सैंड ड्यून्स है, यानी बस रेत के टीले। डेजर्ट नेशनल पार्क में बहुत सारे छोटे गांव हैं और यहां लोग भी रहते हैं। अब टाइम है बस GIB को सर्च करने का। यहाँ के लैंडस्केप को देख के समझ आ चुका है कि 150 से भी कम बचे हुए इस बर्ड को इतने बड़े पार्क में ढूंढना आसान नहीं होगा, तो बस अब लक ट्राई करना है। लेकिन मॉर्निंग में थोड़ी सी कोशिश के बाद ही हमें इस बर्ड की एक झलक मिल गई जो कुछ ज्यादा ही दूर था। अब बस ऐसे ही अलग अलग स्पॉट्स को स्कैन करके इस बर्ड की पास से फोटो लेनी है। ये है हमारे गाइड एंड नेचुरलिस्ट अलियार रोजानी, जिनके रिजॉर्ट में हम रुके हैं। लेकिन आज काफी टाइम स्पेंड करने और वेट करने के बाद हमें गोडावन दोबारा नहीं दिखा, तो अब टाइम है इस रेगिस्तान के कुछ फेमस बर्ड्स को देखने का। और ये जो बर्ड अभी उड़ रहा है ये है इजिप्शियन वल्चर। आई होप इसकी क्लोजअप शॉट मिल जाएगी हमें आगे। अब फाइनली जिस लास्ट स्पॉट पे हम जा रहे हैं वहां चांसेस हैं कुछ ऐसे बर्ड्स देखने का जो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देखूंगा। और दूर से लग रहा है कि हमारी किस्मत अच्छी है। ये सारे अलग अलग प्रकार के वल्चर्स हैं। बीच में जो छोटा बर्ड है ये वही इजिप्शियन वल्चर है जिसको पहले हमने उड़ते हुए देखा था। और इसी के साथ आज की हमारी सफारी कंप्लीट हो गई और अब कल से फिर मुझे अपना लक ट्राई करना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तब तक नॉर्मल टूरिस्ट की एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं और वेट करते हैं कल का। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल के सफारी में।